सरकार ने भले ही मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मजदूर स्पेशल ट्रेन चला रखी हो, लेकिन हजारों मजदूर कई किलोमीटर का सफर कर पैदल ही अपने घर लौटने को मजबूर हैं। मजदूरों की बेबसी की सैकड़ों तस्वीरें रोजाना सामने आ रही। घर लौट रहे 16 मजदूरों की 3 मुख्तलिफ हादसों में मौत हो गई। पंजाब से बिहार पैदल लौट रहे 6 मजदूरों को मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने कुचल दिया। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में महाराष्ट्र से यूपी जा रही 8 मजदूरों की मौत हो गई। बिहार के समस्तीपुर में भी सड़क हादसा हुआ, हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो 3 मुख्तलिफ हादसों में पैदल अपने घर लौट रहे और कोई मजबूरी में किसी कैंटर में सवार होकर घर लौट रहे मजदूरों की मौत हो गई। अलग अलग हादसात में कई मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। करीब 16 मजदूरों की 3 मुख्तलिफ हादसों में मौत हुई है। पंजाब से बिहार पैदल लौट रहे 6 मजदूरों को मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने कुचल दिया। इस हादसे में कई मजदूर जख्मी भी हुए हैं जो जेर इलाज हैं। मध्य प्रदेश के गुना में महाराष्ट्र से यूपी जा रहे 8 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं बिहार के समस्तीपुर में भी सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो अलग अलग हादसों में करीब 16 मजदूरों की मौत हुई है। मजदूर अपने घर लौट रहे थे लॉकडाउन के सबब, कोई पैदल तो कोई किसी कैंटर में सवार होकर अपने घर लौट रहा था। और एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से आपको बता दें, यहां घोटी सिन्नर हाईवे के कालनी फाटा के पास एक ट्रक पलट गया। ये ट्रक 53 मजदूरों को लेकर ओडिशा लौट रहा था। हादसे में 3 मजदूर जख्मी हो गए हैं। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। घर पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने हर मजदूर से 4000 रुपए वसूले थे। एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से, लॉकडाउन के सबब मजदूरों की मजबूरी इस तरह से भी सामने आ रही है। गुज़श्त रात कई हादसों में करीब 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई और एक और हादसा महाराष्ट्र के नासिक में पेश आया, जहां घोटी सिन्नर हाईवे के कालनी फाटक के पास एक ट्रक पलट गया। ये ट्रक 53 मजदूरों को लेकर ओडिशा लौट रहा था। गनीमत यह कि इस हादसे में 3 मजदूर जख्मी हुए हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। अब बता दें आपको कि घर पहुंचाने के लिए इस ट्रक ड्राइवर ने हर मजदूर से 4000 रुपए वसूले थे।